प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस, लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वजारत खारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए साबिक वजीर आजम के वारंट पर अमल दरामद कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज असद अली ने नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस की समाप्त की। मॉडल टाउन थाने के इंस्पेक्टर बशीर अहमद ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ मॉडल टाउन रिहायशगाह पर मौजूद नहीं है और मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी अता तारण ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क होने की तस्दीक की है। रिपोर्ट में बताया गया कि नवाज शरीफ के रायवन रहायशगाह पर इनके सेक्रेटरी ने कहा कि नवाज शरीफ 6 माह से बैरून मुल्क हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में तौसी करते हुए नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।